हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी कशिश मूसा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें, आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में एक ऐसी जगह पर लेके चलती हूँ कि आपका भी दिल करेगा वहाँ जाने को। यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 7, लेकिन दिन जो है ना वो सुबह होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में विंटर्स है इसलिए। इसके बाद हमने ये कॉफी ली ताकि मूसा जी पीकर चाको चौबंद रहे और मेरा इस तरह आराम से सो रहे। खैर, यहाँ पर हमारा आधा रास्ता होने वाला हो गया था और अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे थे माउंट बुलर, क्योंकि वहाँ पर फुल विंटर्स में स्नोफॉल होती है इसलिए। खैर, यहाँ पर मूसा जी ने मुझे गाड़ी चलाने के लिए दी, क्योंकि वो व्हील चेन देखने के लिए गए हुए थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा रश भी लगा हुआ था। और ये व्हील चेन आपकी सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पर इतनी लंबी लाइन इसलिए लगी हुई है क्योंकि ऊपर माउंट बुलर जाने के लिए आपको पास चाहिए होता है। अगर आप ऑनलाइन ले लें तो वेल एंड गुड, अगर आप ना ले तो हमारी तरह घंटों लाइन में खड़े रहे। पास लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था इस व्हील चेन को टायर के ऊपर चढ़ाना। पहले तो मूसा जी समझते रहे, खैर फाइनली उन्होंने चढ़ाई ली थी। चेन चढ़ाने के बाद फाइनली हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे स्नो बढ़ती जा रही थी। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर द स्नो। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा वेट किया क्योंकि वो रोड से स्नो क्लियर करवा रहे थे। साइड से स्नो क्लियर होने के बाद जो था ना वो व्यू और भी अच्छा हो गया हुआ था इस तरह से। इसके बाद नीचे पहुंचने के बाद जो है ना स्नो और भी ज्यादा हो रही थी। और जब मेरा को गाड़ी से बाहर निकाला तो जैसे जैसे इसके ऊपर स्नो पड़ी थी इसको वैसे वैसे रोना आ रहा था। फिर हमने इसका ये स्ट्रॉलर निकाल कर इसमें इसको बैठाया और ना ही ये ग्लव्स पहन रही थी, जिसकी वजह से इसके हाथ भी ठंडे हो गए हुए थे और भी रो रही थी। इसके बाद यहाँ पर जो है ना ये एक शेल्टर रूम था, तो मूसा जी ने कहा कि मेरा को आप यहाँ पर ले जाओ और जब बारी आएगी तो आप लोगों को मैं बुला लूंगा। मीन्स उतनी देर तक जो है ना मेरा सेटल हो जाएगी और बारी उस चीज की के नीचे जो है ना डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स बने हुए थे, तो अगर आप लोगों ने नीचे जाना तो आपको बस के जरिए ही जाना पड़ेगा। वो आपको अपनी गाड़ियां नहीं ले जाने देते, ऊपर पार्क करके आपको बस के जरिए ही जाना पड़ेगा और बस के जरिए ही आना पड़ेगा। खैर, यहाँ पर हम बैठ गए थे बस के अंदर नीचे जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो ना बड़ा फनी सीन हुआ वो मैं आपको सुनाती हूँ। मैं और मेरा जो ना पीछे जाके बैठ गए और मूसा जी ना आगे स्ट्रॉलर के साथ खड़े हो गए। और जब फर्स्ट स्टॉप आया ना तो मूसा जी उतर गए और ना मुझे पता ही नहीं चला। तो मेरे पीछे ना एक वाइट गाय बैठा हुआ था, तो वो मुझे कहता है कि आपके हस्बैंड ना वो सामने उतर के खड़े हो गए तो आप ही नहीं जाना। मैंने कहा अच्छा, फिर ना हमें और मेरा भी उतर जाते हैं। और जब मैं मूसा जी के पास जाती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि हम ना गलत स्टॉप पे उतर गए, हमने जो ना नेक्स्ट वाले स्टॉप पे उतरना था। फिर हम जो ना फटाफट उसी बस में दोबारा बैठ जाते हैं। फिर जी नीचे पहुंचने के बाद बर्फ से खेलने के बाद जो है ना ठंड काफी ज्यादा लगनी शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर जो है ना सिटिंग एरिया के अंदर ही सारे कैफे बने हुए थे। तो फिर हमने यहीं से चिप्स और कॉफी ली। कॉफी पीने के बाद आहा क्या सुकून मिला। कॉफी पीने के बाद जो है ना फिर हमने ये ऊपर से ये सारा व्यू कैप्चर किया और ये ऊपर से तो और भी ज्यादा हसीन लग रहा था। अच्छा, पीछे जो है ना जहाँ माउंट बुलर लिखा हुआ ना उसकी बैक साइड पर जो है ना सारी चेयर लिफ्ट स्की और बहुत सी चीजें जो थी ना वहाँ पर थी, लेकिन स्नो ज्यादा होने की वजह से जो है ना हमने अपनी चेयर लिफ्ट का इरादा जो है ना कैंसिल कर दिया था। इसके बाद जी फिर जी हम कैफे में आ गए थे, कुछ खाने नहीं, वैसे ही मेरा के हाथ गर्म करने के लिए आए थे, मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्योंकि जो है ना काफी ज्यादा ठंडे हो गए थे। अच्छा, मेरा जो है ना सिर्फ स्टार्ट में ही रोई थी, उसके बाद जो है ना मेरा ने माशाल्लाह काफी ज्यादा इंजॉय किया। और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पर शाम भी होने वाली होगी हुई थी, तो मूसा जी लाइन में जाके लग गए थे और मेरा जो है ना मेरी गोदी में सो गई हुई थी, क्योंकि इसने माशाल्लाह से काफी ज्यादा खेत भी लिया हुआ था। और यहाँ पर हमारी बस के अंदर बैठने की बारी भी आ गई हुई थी, लेकिन पता नहीं इसका ड्राइवर किधर चला गया हुआ था बस को इधर खड़ा करके। फिर हम जो है ना दूसरी बस में आ गए थे और यहाँ पर जो है ना इस तरह से हमें बस उतार कर जो है ना वापस चली गई थी नीचे। खैर, आज का स्नो का जो ऑल ओवर डे था ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा गुजर गया और वैसे भी हमारी लाइफ की ये फर्स्ट स्नो थी। तो अगर आप लोग भी लाइव स्नो देखना चाहते हैं तो माउंट बुलर जो है ना आप लोग इन्हीं दिनों जाए ताकि आपको जो है ना लाइव स्नोफॉल मिल जाए। इसके बाद हमने गाड़ी की सारी स्नो उतारने के बाद मैंने मेरा के कपड़े चेंज किए ताकि बाहर से जो ठंडे ठंडे लग रहे थे वो इसको ना लगे और वो रिलैक्स होकर बैठ जाए। इसके बाद यहाँ पर अब हम घर के लिए निकल पड़े थे और वैसे भी हमें घर जाते जाते ऑलरेडी 5 घंटे लग जाने थे और वैसे भी रास्ते में जो है काफी ज्यादा बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। वैसे जो है सारे दिन की बारिश हो ही रही थी, कभी हल्की और कभी ज्यादा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं भी लगा तो फिर भी मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करते जाना। और तो तुसी हंसते जाओ, बसते जाओ या डसते जाओ, तुम्हारी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सो टिल देन बाय।